हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। वृत्तीय गति की गतिकी, डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने आपको पीछे बताया था, जब मोड़ को पार करते हैं तो साइकिल सवार मोड़ की ओर झुक जाता है, जिससे उसके टायरों के बीच जो घर्षण बल होता है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है और साइकिल सवार मोड़ को बिना फिसले पार कर जाता है। अब बात आती है, साइकिल सवार की जगह हमने कार ली, ट्रक है, क्या वह भी मोड़ पर जाते समय मोड़ की ओर झुकेगा? आंसर, हाँ, झुकना पड़ेगा। जब वह झुकेगा तभी टायरों के बीच घर्षण बल होगा। घर्षण बल की एक प्रतिक्रिया अभिकेंद्रीय बल की ओर होगी, जो उसे कौन सा बल प्रदान करेगी? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगी, और वह बिना फिसले मोड़ को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। अब समस्या, ट्रक को, कार को हमें मोड़ की ओर झुकाना है, तो यह अपने आप नहीं झुक सकते। इसके लिए हमने एक उपाय किया कि उस सड़क को ही झुकावदार बना दिया। देखेंगे जहां को मोड़ होता है सड़क नीचे को उसका तला सिरा, और दूसरा सिरा कहां को होता है? ऊपर की ओर होता है। तो सड़क को हम झुकावदार बना देते हैं, जिससे उस पर चलने वाला ट्रक, कार, भारी वाहन मोड़ की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है, और टायरों के बीच घर्षण बल का एक घटक टूट जाता है, जो उसके केंद्र की ओर होता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कह देते हैं। और जब अभिकेंद्रीय बल उसे मिल जाता है तो वह वृत्ताकार पथ पर क्या हुआ? बिना फिसले उसे क्या कर जाता है? पार कर जाता है। क्वेश्चन उठता है, झुकाव कितना होना चाहिए सड़क पर? सड़क का तल ऊर्ध से कितने ऊंचाई पर होना चाहिए? इस चीज को हम निकालना चाहते हैं। आइए करते हैं इसको। एक कार चालक है, हम इस कार को सड़क पर मोड़ने के निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सड़क को हमने इस सिरे को क्या किया, इस तरह से सड़क है, इस पर जो वाहन जाएगा वो इसकी ओर क्या हो जाएगा? ऊंट से इस तरह से हमने इसे उठा दिया। जो सड़क का किनारा है और इसको हमने कितनी ऊंचाई, लगभग एच ऊंचाई हमने इसे क्या कर दिया? उठा दिया। जब हमने ऐसा किया तो इस पर चलने जो वाला जो वाहन होता है, मीन्स कार इत्यादि जो होती हैं, वो सड़क की ओर क्या हो जाती हैं? मोड़ पर, मोड़ की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। जिस सड़क पर कार के टायर हो गए, कार है यह, ठीक है चित्र, कार की सीटें हैं, इसको कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? चला रहा है, वो हमें दिखाई। यहाँ पर इसकी क्या है? लाइट है जिसकी, यानी चित्र में ऐसा दिखाया गया कि यह बैक साइड कार की है, और जब यह मोड़ पर गई, मोड़ की ओर क्या हो गई? झुक गई। कुछ इस तरह से हमने इसे बनाया, ठीक है। अब देखें जरा, जब ये मोड़ पर, जो सड़क के मोड़ पर पहुंची, यह ऊंट से कुछ कोण पर थी, तो इसकी जो प्रतिक्रिया थी आर, इस टायर पर प्रतिक्रिया आर वन कहा इसे हमने, इस टायर पर प्रतिक्रिया कितनी लगी? आर टू। कुल प्रतिक्रिया इसके गुरुत्व केंद्र पर काम करेगी, और वो कितनी हो जाएगी? भार इसका एम जी कहाँ को काम करेगा?
नीचे की ओर काम करेगा। कुल जो रिएक्शन होगी वो ऊर्ध से थीटा कोण पर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ऊर्ध से कितने कोण पर झुक जाएगी, थीटा। कुल रिएक्शन जो होगी वो होगी इसकी आर वन प्लस आर टू, क्योंकि दो टायर दिख रहे हैं, चारों टायरों पे हम प्रतिक्रिया निकालते तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर होती। इस आर वन प्लस आर टू के दो घटक टूटे, एक तो यह टूटेगा, ये कितना आएगा आर वन प्लस आर टू कॉस थीटा, एक घटक इसका और टूटेगा जो इसके केंद्र की ओर काम करेगा, वो कितना होगा, वो कितना होगा केंद्र की ओर, आर वन प्लस आर टू साइन थीटा, ठीक है ना, आर वन प्लस आर टू कॉस थीटा, आर वन प्लस आर टू साइन थीटा, आर वन प्लस आर टू कॉस थीटा था नंबर फर्स्ट, आर वन प्लस आर टू कॉस थीटा है वो उसके भार एम जी द्वारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, जबकि आर वन प्लस आर टू साइन थीटा जो काम कर रहा है वृत्ताकार केंद्र की ओर, तो यह कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, जो एक तरह से घर्षण बल होगा टायरों पर, घर्षण बल कुछ कोण पर क्षैतिज घटक होगा, अभिकेंद्रीय बल। तो आर वन प्लस आर टू साइन थीटा बराबर अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जहां आर इस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है, आर वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है, वी मोड़ पर कार का वेग है। तो इनको अपॉन कर दें, समीकरण दो इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट करें, तो आर वन प्लस आर टू साइन थीटा अपॉन आर वन प्लस आर टू कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। हम इस डेरिवेशन को वामावर्त का बलागुण बराबर दक्षिणावर्त के बलागुण से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह कट गए, एम से एम कट गया, दिस इज टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी आर आ गया, यानी इतने कोण पर थीटा बराबर टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वही आ गया जो साइकिल सवाल पर था, यानी काल मुड़ी भी नहीं हमने, झुकाई नहीं, लेकिन मोड़ झुका होने के कारण उस पर चलने वाला वाहन ऊर्ध से कुछ कोण पर झुक गया, यानी मोड़ को पार करते समय चालक को ध्यान रखना चाहिए, वेग कम करें, त्रिज्या को क्या कर दें, बढ़ा दें, ऐसी स्थिति में कोण का मान कम होगा, झुकाव कोण कम चाहिए होगा, झुकाव कम चाहिए होगा, तो वह सुरक्षित क्या हो जाएगा, गुजर जाए। अगर कोण ज्यादा है तो निश्चित ही वेग ज्यादा होगा या त्रिज्या कम होगी, इसलिए कोण जाए। अब वो कह रहा है कितनी ऊंचाई पर, मान लो इसकी ऊंचाई h है और जो चौड़ाई है इसकी कितनी है d है सड़क की, तो tan थीटा बराबर लंब h अपॉन d, हम इससे h भी निकाल सकते थे, d tan थीटा, जहां d माने वृत्त या l कह दें लंबाई है इसकी, तो हम यहाँ l लिख देंगे सड़क की लंबाई, तो हमें कितना उठाना होगा सड़क का एक सिरा, यह भी इससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। हम इंजीनियर जो होंगे उसी सॉल्विंग के अकॉर्डिंग इस पर, जैसे इंजीनियर ने सोचा कार को मोड़ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग, उसे ध्यान है मोड़ की त्रिज्या, उसे मालूम होगी कि इतना बड़ा मोड़ है, उसके केंद्र गोला इतना बन रहा है, तो इसकी त्रिज्या इतनी आएगी। इन सब के मान रखकर उस झुकाव कोण को निकाल लेते हैं, उतने ही झुकाव कोण पर लगभग उस सड़क को डाला जाता है, एक सिरा जो ढालू बना देते हैं, एक कोठा बना देते हैं, इतनी ऊंचाई क्या, यह सब चीजें इंजीनियरिंग में काम आती है। इस प्रकार हम जान गए, जब भी मोड़ पार करना होगा, चाहे हल्के वाहन हो चाहे भारी वाहन हो, हमें उन्हें मोड़ की ओर क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। हल्के वाहनों को तो हम अपने आप झुका लेते हैं, लेकिन भारी वाहनों को झुकाने के लिए सड़क को मोड़ की ओर झुकावदार बना दिया जाता है। ट्रेन की पटरी भी यही है काम करती है, जहां मोड़ होगा वहां एक ओर की पटरी नीचे दूसरी ओर की पटरी ऊपर होगी, जिससे उससे चलने वाली ट्रेन अपने आप उसके केंद्र की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और वहां देखेंगे आप जब मोड़ पर ट्रेन पार करेगी वहां अपने वेग को क्या कर लेगी, कम कर लेगी। तो इस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट सीधा सीधा कन्फर्म इतनी बात, इसके सवाल आप ट्राई करें, जो नहीं आए उन्हें टिक करते जाएं, आगे वाले भागों में हम आपको इसके न्यूमेरिकल भी देने वाले हैं, पहले कोर्स कवर करते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।